सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो फर्स्ट हम बात करें प्लेग्राउंड सीजन 2 के बारे में। प्लेग्राउंड सीजन 2 में इस बार इंटरनेशनल कॉन्टेस्टेंट्स भी है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इंग्लिश तो चलता है, लेकिन वहाँ पे गालियाँ भी चल रहा है। यू नो हाउ टू से वेन या लेट्स गो। नो ब्रो, बट यू हैव टू ब्रिंग अ बिट ऑफ ग्रेविटी इन। बहन भाई, ये तीन इंडियन बंदों को फॉरेनर के मुंह से गाली सुनने का ये क्या ऑब्सेशन है? व्हेन यू से बहन, व्हेन यू आर एड्रेसिंग बहन, व्हेन यू आर एड्रेसिंग बहन, जैसे जाना भाई, ये 9 सेकंड में 18,000 बार बीप डालने की क्या जरूरत है? सही में लग रहा है कि किसी इंडियन रोस्टर का वीडियो देख रहा हूँ और जोक के बीच में ट्रांजिशन मारने के लिए बीप बीप कर रहा है। भाई इतनी झकास एंट्री तो मैंने KGF के रॉकी भाई की ही देखी थी। अब वो देखने के बाद ये देख रहा हूँ तो जब तक असली वाले रॉकी भाई मेरे आंखों में गोली नहीं मारते, तब तक मेरी आंखें प्यूरिफाई नहीं होंगी। Amazon शॉपिंग ऐप पे मिनी टीवी क्लिक करें और देखिए हमारा शो प्लेग्राउंड सीजन 2 फ्री में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, जो की तन्मय भट्ट के बारे में। तो तन्मय भट्ट का ना रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जो एक एड आउट हुआ था, तो उससे रिलेटेड हो गया था कॉन्ट्रोवर्सी। क्या हुआ था मैं बताता हूँ। उन्होंने आकांक्षा श्रीवास्तव जो की साइबर सेफ्टी एक्सपर्ट है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जहाँ पे वो दिखाई तन्मय भट्ट के पुराने ट्वीट। Yes, बहुत टाइम पहले 2012 के अराउंड के ट्वीट्स थे वो। वहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने जब बच्चियों से रिलेटेड कुछ ट्वीट्स वगैरह किए थे ना, तो इसके बाद और भी बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं ना। एंड उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने वो कैंपेन को ही विड्रॉ कर दिया। Yes, वो एक ट्वीट किए थे, वी एट कोटक महिंद्रा बैंक डू नॉट सपोर्ट और एंडोर्स द व्यूज ऑफ एक्टर्स मेड इन द पर्सनल कैपेसिटी दैट हार्म और ऑफेंड एनी इंडिविजुअल और ग्रुप, वी हैव विड्रॉन द कैंपेन। इसके बाद कुणाल कामरा जो तन्मय भट्ट के सपोर्ट में आए, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे, उन्होंने जो और भी कॉमेडियंस के बारे में कहा, ये बताया कि वो लोग जो सपोर्ट करने नहीं आए तन्मय भट्ट को, वो लिखते सैड डे फॉर कॉमेडी वर्ल्ड ओवर, सेम ऑन इंडियन कॉमेडी सीन। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक शॉकिंग न्यूज के बारे में, ठीक है। तो तेलंगाना के एक पंचायत कार्यालय में जो है 11.41 करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, जिसे देखकर गांव वाले भी शॉक्ड हो गए। मतलब इतना बिल कैसे आ सकता है? जब वहाँ के सरपंच इससे रिलेटेड बात करने गए, तो जो वहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि ये जो एक टेक्निकल इशू है, कुछ एरर हुआ, इतना का बिल नहीं आया। एंड उन्होंने कहा कि वो लोग जो मीटर को चेक करेंगे एंड करेक्ट बिल प्रोवाइड करेंगे। एंड ऐसे सिमिलर इंसिडेंट पास्ट में भी होकर रखा, मध्य प्रदेश में एक बंदे के वहाँ भाई 3400 करोड़ रुपीस का बिल आया था, लेकिन वो भी एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। लेकिन बाद में जब बिल को करेक्ट किया गया, तब बिल था 1300 रुपीस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का पास्ट में कंट्रोवर्सी आपको पता होगा है ना, तो आज रात ना वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अमित भड़ाना LLB से लेके बहुत स्कोप है कि कंटेंट लेवल की तुम इनको बात करते कभी नहीं देखोगे। वर्सटैलिटी और समझदारी से कंटेंट कैसे आज तक बनाया है, ये बात करते तुम इनको कभी नहीं देखोगे। सिंगल हैंडेडली कैसे राइटिंग, डायरेक्शन, एक्ट, स्क्रीन प्ले, लिरिक्स सब किया मैंने, इसकी बात करते तुम इनको कभी नहीं देखोगे। पहले इन्होंने बोला था वायरल पता नहीं क्यों है, ऐसा क्या है इसमें, अब जब साबित कर दिया तो कहते हैं पहले जैसी बात नहीं रही, अलग दोगलापन और बिकाओ लोग। अपने कंटेंट का इंपैक्ट और कैसे आज तक बिना भेड़ चाल के काम किया उसकी बात नहीं करेंगे, डाउनफॉल होने वाला इसका ये बात करेंगे। मैं भी वादा करता हूं जिंदगी भर गिराते रह जाना, अपनी उंगली ऊपर वाले और मेहनत ने पकड़ी हुई है, ना रोक पाओगे ना कुछ कर पाओगे। पानी हूं, अपना रास्ता निकाल लूंगा और आगे बढ़ता चला जाऊंगा, नाम में ही भड़ाना है, भाड़ता चला जाऊंगा, नाम याद रखना बस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, जो कि आशीष संसलानी के बारे में। तो आशीष संसलानी आपको पता होगा न्यू वीडियो अपलोड किया था ना, सस्ता बिग बॉस पार्ट 2, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किए थे। तो उसके नीचे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे ना कि उनका जो न्यू वीडियो था वो उतना अच्छा नहीं था। एक ने लिखा था, आशीष भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू कांट रीच टू आवर एक्सपेक्टेशंस, प्लीज कम बैक अगेन विद योर प्रीवियस कॉमेडी, डाई हार्ड फैन ऑफ आशीष संसलानी वाइंस, बट दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड मोर बिकॉज यू नेवर फेल टू एंटरटेन अस, सिमरन्स कंट्रीब्यूशन इन दिस वीडियो इज लाइक आलिया'स कंट्रीब्यूशन इन ब्रह्मास्त्र, बीइंग एन आशीष संसलानी वाइंस फैन इट्स गुड बट नॉट दैट मच। आशीष भाई थोड़ा यूट्यूब पे भी ध्यान दो, थोड़ा एफर्ट्स डालो वीडियो के अंदर, लॉट्स ऑफ लव। बाकी अगर आप लोगों ने देख लिया सस्ता बिग बॉस पार्ट 2, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और जो आशीष संसलानी की बात हुई, तो बात करते जैन सैफी के बारे में। तो इन्हें अपने इंस्टाग्राम पर Q&A कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा बिग बॉस पर वीडियो कब आएगी जैन भाई, तो उसका जो जैन सैफी रिप्लाई किया, वॉच आशीष संसलानी चैनल, ही अपलोडेड सस्ता बिग बॉस एंड दैट इज हिलेरियस। तो उसका जो आशीष संसलानी रिप्लाई किया, हां हां मेरे भाई जैन सैफी आई लव यू। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी आपको पता होगा बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर जो वीडियो बनाए थे, उससे रिलेटेड यहां पे नो कन्वर्जन एक ट्वीट किए थे। ध्रुव राठी ही वेरी कन्वीनियंटली डज नॉट टॉक अबाउट क्रिश्चियन चर्च बट गोज आफ्टर हिंदू कथा वाचक, हिपोक्रेसी एंड हेट फॉर हिंदूज इज मेन रीजन। तो उसके बाद जो ध्रुव राठी ने उनको ब्लॉक कर दिया, यस वन ट्वीट एंड आई एम ब्लॉक्ड इन 30 seconds, वाह ध्रुव राठी। अब यहां पे ध्रुव राठी का बात हुई, तो बात करते नीतीश राजपूत के बारे में। तो नीतीश राजपूत ने एक ट्वीट किए थे बजरंग दल को पोक करते हुए, वो लिखे बजरंग बली चैलेंज दिस इंटायर लाइफ टू यूनाइट आवर बिलव्ड कपल, हाउएवर सम ग्रुप्स आर एट द कॉन्ट्रेरी बाय होल्डिंग हिज नेम। इसके बाद यहां पे द रैंडम इंडिया ने एक ट्वीट किए थे, उसका रिप्लाई करते हुए वैलेंटाइन डे के जस्ट 9 महीने बाद पैदा होने वाले बिल्कुल नीतीश राजपूत
जैसे होते हैं। बजरंग बली फॉट फॉर मैरिड कपल आजकल के प्यार वाले जो ओयो में प्यार करने जाते हैं उनके अगेंस्ट है बजरंग दल। औकात में रहले राठी की सस्ती औलाद। तो इसके बाद जो 300 से भी ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया ना, उसके बाद नीतीश राजपूत ने वो ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि कल वो फिर से वही वाला ट्वीट कर दिया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके बाद रैंडम इंडियन उस ट्वीट का रिप्लाई करते हैं, ईगो हर्ट हुआ बेचारा, कल जी फटी थी तो ट्वीट डिलीट करके भागा था, कल का पहला ही भूल गया राठी की नाजायज औलाद। रैंडम इंडियन दिखाया कि उनको जो है नीतीश राजपूत ने ब्लॉक कर दिया। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, रचित्रु के बारे में। तो रचित्रु एंड कुछ यूट्यूबर स्पोक किया UK07 राइडर को। यस, वो एक ट्वीट किए थे, गाइस कावासाकी निंजा लेने की सोच रहा हूं, गाइस कावासाकी निंजा के लिए दिल्ली निकल दिए, गाइस कावासाकी निंजा की बुकिंग कर दी, गाइस कावासाकी निंजा की डिलीवरी ले ली, गाइस अपनी कावासाकी निंजा घर पहुंच गई, गाइस अपनी कावासाकी निंजा का क्रैश हो गया, सेलिंग माय कावासाकी निंजा, गाइस न्यू बाइक लेने की सोच रहा हूं अब। उसके नीचे खतरनाक किसान लिखे, महंगी होती है भाई बाइक, पैसे निकालने चाहिए उसे, हमने ही गलत कर दी डायरेक्ट लेके बिना कुछ वीडियो बनाए। एंड्रियो भी लिखे, सोचा नहीं था कावासाकी निंजा लेने से पहले एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट वाली जगह कुछ भी लिखो और बन गया एक नया टाइटल। ऑल्सो योगी बोलता है जो एक ट्वीट किए थे व्लॉगिंग से रिलेटेड, ये व्लॉगिंग कैसे करते, कोई ट्यूटोरियल है क्या? तो उसके साथ मनोज रिप्लाई करते हैं, हे गाइस, हेलो गाइस, ओ भाई पोपट हो गया, ये सब बोलना आना चाहिए। तो मनोज देखा तो श्री वाइटी ने रिप्लाई कर दिया, हाँ भाई फुल कॉमेडी हो गई, लेकिन उसी के नाम से मिलियन व्यूज लिए थे ना, उन्होंने जो वीडियो दिखाया जहाँ पे उसे सौरभ से मिले थे उसमें 1.4 मिलियन व्यूज है, आप देख सकते हो। जहाँ पे UK07 राइडर का बात करते बात करते उनके बारे में, तो ना अभी दुबई गए हुए ठीक है, दुबई में ही सनी लियोनी भी, तो वो जो सनी लियोनी से मिलना चाहते हैं उन्होंने स्टोरी पोस्ट किया था जहाँ पे बताया कि सनी लियोनी के जो रिसेंट पोस्ट में जाके स्पैम कर दो कि बाबू भैया से मिलो, बाबू भैया से मिलो, इसके बाद क्या था बहुत सारे लोग स्पैम वगैरह करने लगे, आप देख सकते हो। तो हो सकता है UK07 राइडर जो सनी लियोनी से मिल ले। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क ने हायर कर लिया न्यू सीईओ, यस, एंड वो कौन है आप देख सकते हो, द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज अमेजिंग, ही इज ग्रेट विद नंबर्स एंड हैज स्टाइल, ऑफ कोर्स भाई ये एक मजाक है ठीक है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं दिलीप जोशी के बारे में। कौन है दिलीप जोशी, आपको पता ही होगा जेठालाल। तो उन्होंने रिसेंटली रिएक्ट कर दिशा वकानी का कमबैक से रिलेटेड, दिशा वकानी आपको पता होगा पहले जो है दया बहन का रोल प्ले की थी लेकिन बाद में उन्होंने वो शो को छोड़ दिया है ना। दिलीप जोशी कहे वो जो दया को मिस करते हैं, बहुत टाइम हो गया आपको भी दया एंड जेठा का गुड एंड फन सीन्स देखे हुए, जब से दिशा जी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ा है तब से कुछ फनी पार्ट्स जो है मिसिंग है ना, दया एंड जेठा के बीच में जो केमिस्ट्री था वो मिसिंग है, लोग भी यही बोल रहे हैं। लास्ट में वो कहे वो पॉजिटिव है इससे रिलेटेड, एंड असित भाई जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर है वो भी पॉजिटिव है, एंड लास्ट में बताया कि कुछ भी हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग आ भी सकता है बहुत जल्द, कल किसने देखा उन्होंने बताया। तो मे बी दिशा वकानी का कमबैक हो सकता है क्योंकि आपको बताओ बहुत सारे एक्टर्स जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ चुके हैं, उसके बाद लोगों का वही कहना है कि शो जो अभी बोरिंग हो रहा है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो एमसी स्टैन का पॉपुलैरिटी को जो अभी विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा है, यस, यहां पे एमसी स्टैन का एक फैन पेज है जहां पे उन्होंने दिखाया कि एमसी स्टैन का जो रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट है जहां पे उनके हाथ में जो बिग बॉस का ट्रॉफी है एंड वो जो सलमान खान के साथ है उसमें जो 4.4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स है, एंड विराट कोहली का जो रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट है उसमें जो 2.3 मिलियन सिर्फ लाइक्स है। बता दूं अभी एमसी स्टैन के वो पोस्ट में काफी सारे लाइक्स हो चुके हैं, कितना हुआ आप देख सकते हो। तो एमसी स्टैन का फैन पेज लिखता है एमसी स्टैन रीसेंट पोस्ट गॉट मोर लाइक्स देन विराट कोहलीस रीसेंट पोस्ट एंड फ्यू पीपल क्वेश्चन एमसी स्टैन फैन बेस, वेलकम टू द रियलिटी, एमसी स्टैन विंस, देसी हिप हॉप विंस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं पायल जोन के बारे में। तो पायल जोन से रिलेटेड पीपो एक ट्वीट किए थे यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए जहां पे होता है कि पायल जोन जो कि क्रिएटर है यूट्यूब की है ना, जिसके चैनल पर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वो जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है यूट्यूबर से रिलेटेड एंड वो भी बहुत सेंसिटिव टाइटल्स वगैरह डाल के बहुत सारे यूट्यूबर्स को वो टारगेट करती है ना, एंड फिर भी उनके जो वीडियो है वो एज रेस्ट्रिक्ट नहीं है क्यों? तो उसका जो टीम यूट्यूब ने भी रिप्लाई किया वही बॉट रिप्लाई है, ये बताते हुए कि तुम जो इसको रिपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे जाके ऐसा ऐसा। बाकी ये सर आप देख सकते हो क्या क्या टाइटल वगैरह वो डाली है वीडियोज में ना, एंड पता नहीं पायल जोन के वीडियो से येलो डॉलर हो रहा है कि नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा गाली को म्यूट करना भूल जाएंगे देन फिर येलो डॉलर आ जाता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। यस, ये वाला आप देख सकते हो, इनके आप देख सकते हो 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है लेकिन कितने इन्होंने पोस्ट किया आप देख सकते हो 38 मिलियन से भी ज्यादा, इन्होंने बायो में लिखा भी हुआ इफ यू आर वंडरिंग व्हाट दोस 38 मिलियन पोस्ट आर, देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड आउट, यस आई एम वंडरिंग एंड मुझे पता नहीं कैसे पता करना है उसका, कौन सा वे है आप लोग बताना अगर आपको पता है कमेंट में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं आरसीबी के बारे में। यस, आरसीबी वुमेन टीम ने जो है सानिया मिर्जा को एज ए मेंटर रखा है। यस, आपको पता होगा सानिया मिर्जा जो टेनिस प्लेयर है ना, लेकिन उनको जो आरसीबी के वुमेन क्रिकेट टीम में एज ए मेंटर रखा गया। उसके बाद क्या था बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक कमेंट में आपको पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने क्यों रखा होगा उनको एज ए मेंटर। यहां पे अब्दुल लतीफ लिखते हैं कोच एंड मेंटर के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो जो मेंटर है ठीक है वो क्रिकेट खेलना नहीं सिखाएंगे उनको, वो जो सिर्फ आरसीबी को गाइड करेंगे लाइक प्रेशर को हैंडल कैसे करना होता है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सब चीजें। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर से बताना। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।